अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वालेकुम सलाम मैम। फ्रेंड्स, हम टू टू थ्री मिनट्स में क्लास का स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग नेक्स्ट बेसिकली फेस पे जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के मैनिफेस्टेशंस को पढ़ेंगे, और इसके अलावा हम लोग आज एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को देखेंगे, उनके इंस्पेक्शन को, और साथ हम पल्स रेट को आज असेस करेंगे। उसके बाद इससे नेक्स्ट लेक्चर पे हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस जो है ना कवर हो जाएगा, ठीक है। इस यानी जो हमारी अपकमिंग फ्राइडे क्लास होगी ना, उसमें हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद मैं आप लोगों को लॉग बुक्स, आप लोगों ने, मैंने लास्ट टाइम अनाउंसमेंट की थी कि आप लोग लॉग बुक्स जो है ना वो प्रिंट आउट उसके निकाल लें और उसको बाइंड करा के रख लें और उसको फिल करना शुरू कर दें। एटलीस्ट जितने लेक्चर्स मैंने लिए हैं वो सारे स्टूडेंट्स उसको लॉग बुक के ऊपर फिलअप करना शुरू करते हैं। लाइक मैंने स्किन की डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस बताई थी, वो सारी मैनिफेस्टेशंस की डेफिनेशंस उनके ऊपर लिखना शुरू कर दें। एडिमा के टाइप्स हैं, साइनोसिस है, उससे आगे जो होम टास्क अवेलेबल हैं सारी चीजें बच्चों आपने लिखनी है, चाहे वो एक से दो लाइन्स में आप लोग लिखो लेकिन उनको फिल करना है। उसके बाद आप लोगों की इंडेक्स आएगा और इंडेक्स के बाद फाइव केसेस हैं, ठीक है। उनमें से हम कुछ केसेस अपनी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के बाद वो केस हिस्ट्रीज आप लोग अपनी लॉग बुक्स के ऊपर मेंशन करोगे। मैं आप लोगों को मेथड बताऊंगी कि कैसे मेंशन करना है, और वो फिर आपने फिलअप करके मुझे सबमिट करवानी है, ठीक है। लेकिन वो केस प्रेजेंटेशन के जो केसेस या डायग्नोसिस होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे दो से तीन क्लास में। मुझे बेसिकली फैकल्टी की तरफ से यही मैसेज आया कि आपने दो से तीन शेयर करनी है स्टूडेंट्स के साथ। एक या दो स्टूडेंट्स हुड डिजाइन करेंगे, उन्होंने टॉपिक पढ़ा है, उसमें से पॉसिबल क्या डायग्नोसिस वो डिवेलप कर सकते हैं, कुछ उनका कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। कुछ अगर हम जब एक से दो या तीन एक टेम्पलेट एक देख लेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हमने इस फॉर्मेट पे बाकी सारी डिजाइन करनी है। तो अब हम लोग और सेकेंड चीज ये थी कि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम ये भी कहा था कि आपकी वीडियो प्रेजेंटेशन होंगी, उसका जो टॉपिक है वो मैंने डिजाइन कर लिया, वो मैं आज इस क्लास के बाद आप लोगों को सेंड करूंगी। अब हर स्टूडेंट मुझे उसके ऊपर इसी तरह अपनी जूम मीटिंग अरेंज करके, ठीक है, अपनी स्लाइड्स बनाकर, और ऑलमोस्ट वो जो वीडियो होगी ना वो 5 to 6 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसमें जो जो मैंने क्वेश्चन एड किए होंगे, मतलब मेरा एक ही क्वेश्चन होगा बेसिकली, उसके डिफरेंट पार्ट होंगे, आपने एक या दो एक एक स्लाइड जो है ना एटलीस्ट उसकी ऐड करनी है, और उसमें आपको आपने बताना है, उस स्लाइड को एक्सप्लेन करना है उस वीडियो में, ठीक है। और आपने वो मुझे ईमेल पे सेंड करनी है। ये सारे स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है कि क्योंकि ये इनकी 20% असेसमेंट आप लोगों की यहाँ से कवर होती है, बाकी 10% आपकी असेसमेंट आपकी अटेंडेंस होगी, 30% हो गया, और बाकी जो 70% है वो आपके फाइनल वाइवा के मार्क्स है, एग्जाम्स के मार्क्स है, जिनमें से 35% की आप लॉग बुक बना रहे हो। इट मीन्स कि अगर आप हम चेक करें ना कंट्रीब्यूशन, तो ये जो क्लास कंट्रीब्यूशन है ना यही सब कुछ है लॉग बुक एससीपी कोर्स आउटलाइंस के अंदर। लाइक आपकी 35% जो लॉग बुक है वो कंट्रीब्यूट कर रही है, वो भी हम इस लेक्चर से ही सारा कुछ सीखेंगे, और सब चीजें हम यहीं से डिजाइन करेंगे, हर हिस्ट्री हम यहाँ बनाना देखेंगे, और हर चीज का कॉन्सेप्ट यहाँ से हमें क्लास से पता चलेगा। सेकेंड, आप लोगों की अटेंडेंस भी क्लास से कॉन्ट्रीब्यूट हो रही है, और थर्ड, जो आपकी वीडियो प्रेजेंटेशन है वो भी क्लास के थ्रू ही आएंगी, कंडक्ट होंगी, ठीक है, वो आप लोग जीमेल्स पे सेंड करोगे। तो आपका मोर देन यानी ऑलमोस्ट 70% जो काम है ना वो आपकी क्लास से ही बेसिकली है। इसलिए जो सारे बच्चे हैं ना वो इंश्योर करें कि आपकी जो अटेंडेंस है, और सेकंड ये कि आपकी लर्निंग क्लास से हो एटलीस्ट, ये ना हो कि सिर्फ क्लास अटेंड करने का पर्पज हो और अटेंडेंस का पर्पज हो और उसके बाद आप लोगों की लर्निंग ना हो। अभी हम वेट कर लेते हैं 2 to 3 मिनट्स, कुछ और स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें क्लास, उसके बाद फिर हम प्रॉपरली ना क्लास स्टार्ट करते हैं। मैम, आप मैम वीडियो प्रेजेंटेशन कब तक सबमिट करवानी होगी? मैम आप वीडियो प्रेजेंटेशन को ना ऑलमोस्ट 10 to 12 डेज में दूंगी कि आप लोगों ने सबमिट कर दिया है, ठीक है। आज 15 है, तो 15 से लेकर आई थिंक सो कि 27 तक आप लोगों के पास टाइम होगा, और आई थिंक सो कितना टाइम है, नहीं कुछ ज्यादा कहा, कितना टाइम है दोबारा बता दें।
बेटा आज 15 है ना, आज मैं अनाउंसमेंट करूंगी, 25, 26 या 27 तक टाइम है। बेटा जो मेरा क्वेश्चन होगा ना बेसिकली उसमें आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैंने ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं ऐड किए इसी पर्पस के लिए कि आपकी 5 to 6 मिनट की वीडियो होगी, तो ऑलमोस्ट हर बच्चा जो है ना एटलीस्ट जो है ना 10 to 11 स्लाइड्स तो कम अज कम बनाए, ठीक है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। मैम वीडियो ग्रुप में बनानी है प्रेजेंटेशन? नहीं नहीं इंडिविजुअल, हर बच्चा अपनी बनाएगा बेटा, ये इंडिविजुअल वीडियोस होंगी जो आप लोग मुझे मेरी जीमेल पे सेंड करोगे, ठीक है, और हर बच्चे की उसकी उसी वीडियो की बेस पे इंडिविजुअल असेसमेंट होगी। ग्रुप इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ग्रुप में प्रेजेंटेशन होती है, इतना टाइम नहीं है कि हम प्रेजेंटेशन कंडक्ट कर लें। और बाकी जो है ना वो आपके साथ मैं आज शेयर कर दूंगी कि आप लोगों ने किस टॉपिक पे बेसिकली जो है ना वो बनाना है। मैम ये हमारा मिस के बाद होगी प्रेजेंटेशन या मिस पहले होगी? जी बेटा क्या कह रही हैं आप? ये जो प्रेजेंटेशन आप बता रही हैं ये मिस के बाद होगी या मिस से पहले आप ले लेंगी? ये बेटा ये जो प्रेजेंटेशन है ना ये मिड से पहले ही चाहिए मुझे, क्योंकि आई थिंक सो कि मुझे जो फैकल्टी की तरफ से मैसेज मिला ना उसमें फुल एंड फ्लेज यही मैसेज है कि आपने स्टूडेंट्स को हर सूरत यही कहना है कि वो मिड से पहले जो है ना वो ये सबमिट करवा दें एटलीस्ट। और मैम जो वो एसपी लॉग बुक है वो कौन सी वर्क बुक बेटा? मैम ये एसपी 2 की जो हम लोग लॉग बुक बनाएंगे वो मिड से पहले होगी या मिड के बाद होगी? वो तो आई थिंक मिड के बाद होगी। उसको आपको थोड़ा सा टाइम दे दिया जाएगा नेक्स्ट मंथ तक भी, लेकिन ये है कि आप लोग जो है ना जहाँ तक अगर मैं आप लोगों को एक सजेशन दूँ तो क्योंकि मिड्स में बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी होंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा थोड़ा सा, तो आप लोग ऐसा करो कि आप लोग ना अभी से उसको लिखना शुरू कर दो ताकि अगर आप लोगों को सबमिट करवानी पड़ भी जाए फॉर एग्जाम्पल मिड्स के अंदर मिड्स में तो आप लोगों को मुश्किल ना हो, क्योंकि उस वक्त आप लोग बाकी पेपर्स की तैयारी भी तो कर रहे होगे ना, तो इसलिए जो है ना वो आप लोग ऐसा करो कि अभी से उसको लिखना शुरू कर दो ताकि जब आप लोगों का एग्जाम डे हो तो आप लोगों के पास जो लर्निंग मटेरियल है ना वो ज्यादा छुपे होता है तो आप लोग ये रिटर्न चीजें ना लिख रहे हो। मैम ये जो रेसिपी का लास्ट टाइम जैसे हम लोगों ने रेसिपी 1 की थी तो उसका ना एक वाइवा हुआ था, रिटर्न कोई भी नहीं था, तो इस दफा क्या मतलब हमारा वाइवा ही होगा या हमें रिटर्न? इसका वाइवा ही होगा, वाइवा ही होगा इसका। ओके मैम थैंक यू। बच्चों मोस्ट प्रोबेबली इसका इस बार वाइवा ही होगा क्योंकि आप लोगों का वो नहीं ना सिस्टम फिजिकल पे नहीं ना गया इस वजह से। ओके मैम थैंक यू। बाकी किसी बच्चे को लास्ट लेक्चर में कोई प्रॉब्लम कोई डिफिकल्टी आई हो? जी स्टूडेंट्स। मैम जैसे आप लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर में 3-3 जगह से पढ़ा रही थी, हमें तीनों जगह से प्रिपेयर करना पड़ेगा ना? बेटा उसका ये है कि एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि 3 जगह से पढ़ाने का मकसद ये था कि आप लोगों के पास ना हर चीज अवेलेबल हो, लाइक मैंने 3 जगह नहीं थी बेसिकली, वो एक जो मैंने आपको वर्ड का डॉक्यूमेंट सेंड किया था ना वो आपकी कंप्रेस्ड फाइल ही थी बेसिकली, और वो फाइल में से मैंने एक्सट्रैक्ट किया था सिर्फ लेक्चर के लिए। आज भी मैंने एक फाइल डिजाइन की थी तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। बेसिकली चीजों को ना थोड़ा सा मैंने आप लोगों के लिए इजी बनाने की कोशिश की है ताकि आपको थोड़ा मुश्किल ना हो एग्जाम डे पर। आई थिंक सो कि अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं क्योंकि आज आप लोग कह रहे हो कि हमें थोड़ा सा जल्दी क्विज के लिए फ्री होना है। मैम जी मैम मैम हमारी एसपी की 1 की मैम ने ना
हमारे SCP-1 की मैम ने एक ना हमें डेमो के तौर पे केस प्रेजेंटेशन दिखाई थी कि किस तरह लिखनी है, तो SCP-2 में नहीं आप दिखाई? बेटा वो जो केस प्रेजेंटेशन है ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है, एक या दो दिनों में शेयर कर दूंगी। तो वो अगर आप लोगों को मैंने यही कहा है ना कि अगर हम अगर अभी थोड़ा सा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना, तो हम लोगों के पास जो लास्ट क्लासेस होंगी ना, उसमें हम डिटेल में इन चीजों पर डिस्कशन कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा कि हम चीजों को डिस्कस नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए मैं चाह रही थी कि वो अगर एक प्रेजेंटेशन भी मुझे मिल जाती है फैकल्टी की तरफ से, क्या मैं वो डिजाइन कर लूंगी, तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। ऑब्वियसली जब मैं वो लेक्चर पढ़ाऊंगी ना, तो उसमें कोई ना कोई डेमो वाली एक प्रेजेंटेशन लाजमी होगी, जिसमें हर पॉइंट को मैं क्लियर करूंगी कि आपने इस स्पेस पे क्या मेंशन करना है, इस पॉइंट के आगे आपने क्या डाटा एंटर करना है, वो सारी एक वीडियो प्रेजेंटेशन ही हो, ठीक है? तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ओके मैम। आई थिंक तो हमें क्लास अपनी जो है ना वो स्टार्ट कर देते हैं, बाकी स्टूडेंट्स हमें फिर बाद में ज्वाइन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, स्लाइड्स नजर आ रही है सबको? यस मैम। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। आज का बेसिकली हमारा SCP-2 का लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है? और इसकी कोर्स आउटलाइंस जैसे हमें स्टार्ट से ही पता है, ठीक है, हमने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं, ऑलमोस्ट हमारा मोर देन 70% जो है ना चीज कवर हो गई है। आज जो हम लोगों ने लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि मेथड क्या होता है, टेम्पलेट टू राइट द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ पेशेंट, ठीक है? टेम्पलेट स्टाइल के अंदर यानी राइटिंग स्टाइल में भी हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन को जब मेंशन करते हैं, तो हम इन द फॉर्म ऑफ एक मैनर की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। लाइक हमने एग्जामिनेशन स्टार्ट किया फेस से, हैंड्स पे आए, आर्म्स पे आए, फिंगर्स पे आए, देन हम एब्डोमेन की करेंगे, लेग्स की करेंगे, फीट्स की करेंगे, तो हम एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं। इसी तरह बच्चों, जब हम लोग चाहे हम रिटन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन मेंशन करें और चाहे हम ऑरली पेशेंट पर असेसमेंट की फॉर्म में एग्जामिनेशन कर रहे हैं, हमने दोनों मेथड्स को इन अ मैनर ही परफॉर्म करना है, ठीक है? तो हमने लास्ट टाइम जो था ना, वो हमने हैंड्स की, फिंगर्स की मैनिफेस्टेशन पढ़ी थी। आई थिंक सो कि हमने टेम्परेचर भी पढ़ा था और रेस्पिरेटरी रेट मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था आप लोगों को? नो मैम, नहीं पढ़ाया था, ठीक है? तो हमने सिर्फ आई थिंक सो कि टेम्परेचर पढ़ा था वाइटल साइंस में से। तो आज हम पल्स रेट को कैसे हम डिटरमिन करते हैं, पल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट बॉडी एरियाज में, आज हम वो पढ़ेंगे। उससे पहले ना, हम आज फेस की और एक्जिला के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि जब हमने फेस पे जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करना है बच्चों, तो हमने किन चीजों को असेस करना है, ठीक है? सबसे पहले ये अभी हम यहाँ से पॉइंट्स पढ़ते हैं, इनकी जो डिटेल्स हैं हम आपको बुक से ही आज पढ़ाऊंगी। हम जनरल अपीयरेंस चेक करते हैं पेशेंट की, कि उसके फेस की सिमेट्री क्या है, ठीक है, और उसकी कलर ऑफ स्किन क्या है। स्क्लेरा का कलर चेक करते हैं जॉन्डन्स के लिए, कंजक्टिवा का कलर चेक करते हैं कि वो पैलर तो नहीं है हम, और इसमें साइनोसिस का पॉइंट भी आगे आएगा बुक में, ठीक है? हम साइनोसिस चेक करेंगे, साइनोसिस में सेंट्रल और पेरिफेरल दोनों को चेक करेंगे, ठीक है? सेंट्रल मैंने कहा था कि मोस्टली ऑर्गन्स की मैनिफेस्टेशन में आती है, और उसमें मैंने दो तीन पॉइंट्स बताए थे, कैन एनीबॉडी रिवाइज इट, कि मैंने साइनोसिस में क्या पॉइंट्स बताए थे लास्ट टाइम लेक्चर्स के अंदर? जी स्टूडेंट्स, कोई भी वॉलंटरीली? मैम ब्लूइश हो जाता है। क्या हो जाता है? मैम ब्लूइश कलर हो जाता है ना लिप्स का, ब्लूइश कलर हो जाता है, लेकिन सेंट्रल साइनोसिस के स्पेसिफिक कुछ पॉइंट्स मैंने लास्ट टाइम बताए थे आप लोगों को। मैम सेंट्रल साइनोसिस हमारे पास सेंट्रल ऑर्गन्स में होता है, जैसे कि लंग्स और हार्ट, ठीक है? कार्डियक और पल्मोनरी आ जाते हैं, और इसमें आर्टेरियल हाइपोएक्सिमिया हो जाता है, ठीक है? और पेरिफेरल साइनोसिस मोस्टली हैंड्स और फीट्स पर उसकी मैनिफेस्टेशन आती है, ठीक है? और मोस्टली पेरिफेरल कब होती है? जब सेंट्रल साइनोसिस आपकी प्रेजेंट हो, उसी वक्त पेरिफेरल साइनोसिस होगी।
और पेरिफेरल साइनोसिस समटाइम्स नॉर्मल पेशेंट्स में भी या नॉर्मल लोगों में भी होती है. जब कभी अगर आपने भी देखा होगा कि व्हेन समवन इज एक्सपोज टू कोल्ड तो उनको ऐसे लग रहा होता है कि उनकी फिंगर स्वेलिंग हो गई है और थोड़ी सी ब्लूइश कलर की हो गई है. तो पेरिफेरल नॉर्मली भी आती है, लेकिन पेरिफेरल साइनोसिस किन स्पेसिफिक केसेस में आती हैं, क्योंकि हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं पेरिफेरल सर्कुलेशन की, तो वहां पे जिन कंडीशंस में पुअर पेरिफेरल सर्कुलेशन डेवलप हो जाती है, लाइक एरिथमेटस पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी फर्स्ट लेक्चर में, रेनॉल्ड्स फिनोमेना पढ़ा था जिसमें फिंगर टिप्स के ऊपर मैनिफेस्टेशन आती है, या फिर कोई वीनस ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है, पेरिफेरल सर्कुलेशन का मतलब ये है कि वेन्स आर्टरीज अगर उनमें से कोई प्रॉब्लम आ रही है, सर्कुलेशन आपकी ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है ड्यू टू एनी रीजन, तो साइनोसिस विल बी टर्म्ड एज पेरिफेरल साइनोसिस. बट सेंट्रल के अंदर सेंटर कॉज होता है, लाइक आपका कोई मेजर ऑर्गन इन्वॉल्व होता है. ठीक है, ओके, अब हम आगे बेसिकली मूव करते हैं. उसके बाद बच्चों आईलिड्स के ऊपर हम जेंथिलिज्मास जो होती है ना, वो आगे हम पिक्चर में भी चेक करेंगे कि ये येलो कलर के डिपॉजिट्स डेवलप हो जाते हैं आपके आई के ऊपर. ठीक है, और नॉर्मली ये जो जेंथिलिज्मास है ना आईलिड्स के ऊपर जो डेवलप होते हैं, ये कोलेस्ट्रोल की वजह से होते हैं. लाइक अगर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरलिपिडीमिया, जिसके अंदर लिपिड्स की अमाउंट नॉर्मल कॉन्टेंट से ज्यादा हो जाए, उसके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रोल कॉन्टेंट नॉर्मल से ज्यादा हो, देन he or she will be suffering from xanthelismas. Okay, the next one is bacho lips pe cyanosis, jis tarah humne bhi discuss kiya. Periorbital edema, different renal issues ke andar, hypertension patients ke andar, theek hai, peripheral circulation jin patients mein obstruct kar jati hai, ya phir bedridden patients ke andar, ICU bounded patients के अंदर periorbital edema is very common, उनकी eye swelling हो जाती है. ठीक है, puffiness इसी तरह eyes के round आती है, उनकी eyeballs protrude कर जाती हैं. Proptosis जो है ना वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये एक special eye से related condition है जिसमें क्या होता है कि जो इसमें दो signs आते हैं proptosis में, एक lids retraction आती है और एक lids retraction आती है, दो हम signs आगे जाके पढ़ेंगे. ठीक है, facial hair distribution, तो उसमें हिरेट्रिज्म आता है जिसमें आपकी बॉडी पे एक्सेसिव हेयर्स की ग्रोथ होती है, तो ये भी एक एबनॉर्मल कंडीशन है. तो हम ये सारी चीजें भी डिटेल में पढ़ते हैं और फिर हम इसके बाद यहाँ से डायग्राम्स देखेंगे कि हमें उसकी पिक्चर रिप्रेजेंटेशन हो जाए. अब मैं आप लोगों के साथ बुक शेयर करती हूँ ताकि हम लोग बुक से जो है ना वो जी सबको बुक नजर आ रही है बेड साइड. यस मैम. अब हम यहां से फेस को चेक कर लेते हैं कि इसमें फेस के क्या पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं. बेसिकली यहां से बच्चों फेस स्टार्ट हो रहे हैं. अब उन्होंने कहा कि कॉमन साइंस जो आप फेस पे असेस करते हो उसमें पफिनेस आ जाती है. ठीक है, पैलर ऑफ द लोअर कंजंक्टिवा, येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्क्लेरा, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द टिप ऑफ नोज एंड ईयर लोब्यूल्स. ये ब्लूइश डिस्कलरेशन साइनोसिस की बात हो रही है. ठीक है, ड्राइनेस, पैलर एंड साइनोसिस ऑफ द डॉट्सम ऑफ टंग, येलोनेस ऑफ अंडर सर्फेस ऑफ टंग. यानी फेस के ऊपर अगर पफिनेस हो तो ये सारे साइंस कॉमनली आ सकती हैं और आपने चेक करना है. एंड द पेशेंट इज हैविंग, कि अगर वो पैलर ऑफ लोअर कंजंक्टिवा के साथ है तो अनीमिक है, ब्लूइश डिस्कलरेशन है तो साइनोसिस है. ठीक है, अगर ड्राइनेस, पैलर और साइनोसिस तीनों चीजें हैं तो इट मीन्स कि पेशेंट को कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. ठीक है, अगर येलोनेस उसकी टंग सर्फेस पे भी है तो इट मीन्स कि पेशेंट को जॉन्डिस है. ठीक है, तो ये डिफरेंट साइंस डिफरेंट डिजीजेस को डिपिक्ट करते हैं कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम अंडरलाइन कॉज में चल रही है, तो आपने बेसिकली असेस करना होता है. अब यहाँ पे उन्होंने एक बात लिखी है कि हमने अभी पॉइंट्स पढ़े थे फेस पे हम क्या क्या असेसमेंट करते हैं ड्यूरिंग जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन.
तो हम नंबर वन स्टार्ट करते हैं जनरल अपीयरेंस। बच्चों जनरल अपीयरेंस में हमने कहा था कि हम फेस की सिमेट्री चेक करते हैं, पेशेंट का स्किन कलर चेक करते हैं। नॉर्मली सारे पेशेंट्स का स्किन टेक्सचर या कलर तो नॉर्मल होता है, लेकिन अगेन कलर हम पेलनेस चेक कर रहे होते हैं, पेशेंट का कलर पेल तो नहीं है ज्यादा, ठीक है। इसी तरह फेस की सिमेट्री का मतलब ये है कि मून लाइट फेस कुशिंग सिंड्रोम में होता है, और मास्क लाइक एक्सप्रेशनलेस फेस, जैसे एक आर्टिफिशियल मास्क होता है ना, उसी तरह का पार्किंसंस डिजीज का पेशेंट का फेस होगा। आपको उसको देखने से पता चल जाएगा कि ये पार्किंसंस डिजीज का पेशेंट है। इसी तरह सेकंड पॉइंट है बच्चों पफिनेस। पफिनेस में मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है कि आईज के अराउंड पेरी ऑर्बिटल एडिमा हो जाता है, और ये रीनल फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। हमेशा जब भी कोई एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा ना कि पेरी ऑर्बिटल एडिमा की कॉज मेजर ऑर्गन कौन सा इन्वॉल्व होता है, तो हमेशा आपने यही कहना है कि इसमें आपकी किडनीज इन्वॉल्व होती है, ठीक है। क्योंकि रीनल इश्यू का कोई भी पेशेंट आपके पास आएगा ना, तो उसकी आईज में स्वेलिंग मस्ट होंगी, ये उसका पहला साइन है जो बॉडी पे फेस पे आपको नजर आता है। अगर आप कोई टेस्ट ना परफॉर्म करो, कोई लैब इन्वेस्टिगेशन ना करो, कोई पेशेंट की असेसमेंट ना करो, रीनल फंक्शन टेस्ट ना करवाओ पेशेंट के, जस्ट आपने उसका एग्जामिनेशन किया, पेशेंट को पेरी ऑर्बिटल एडिमा है, इट मीन्स कि उसको कोई रीनल इश्यू चल रहा है, ठीक है। तो पेरी ऑर्बिटल एडिमा की तीनों रीजंस किडनी से रिलेटेड है, मोस्ट कॉमनली यही आती हैं, और यही वार्ड में इसी तरह पेशेंट की प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। या फिर वो कह रही है कि एंजियोडीमा या मिक्सोडीमा, एक्स्ट्रा एडिमा जब ड्यू टू एनी कॉज अगर आ जाए तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और राइट साइड हार्ट फेलियर के अंदर फेस में पफिनेस बहुत अनकॉमन होती है, और अगर होगी तो किस कंडीशन में होगी, व्हेन द पेशेंट इज लाइ फ्लैट, जब वो सीधा लेटा होगा तभी विजिबल होगी, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रॉप्टोसिस। बच्चों इसको आप लोगों ने बहुत क्लियरली सुनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जामिनर्स पूछते हैं कि प्रॉप्टोसिस क्या है। अच्छा आप लोगों को बुक नजर आ रही है या नहीं? नो मैम। नो मैम। ओके मैं दोबारा शेयर करती हूँ। मैम पहले आ रही थी, अपनी आ रही। ओके मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ बच्चों। अभी नहीं आ रही? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम अभी शो नहीं हुई। ओके मैं चेक करती हूँ। मैम एक चीज पूछनी है आपसे। जी बेटा पूछे। मैम जो हमारी लॉग बुक है उस पे हम खुद से केसेस फिल कर सकते हैं, उसका जरा थोड़ा सा बता दें। किस चीज का? लॉग बुक के अंदर केसेस क्या कर सकते हैं? मैम जो हमारी पहले एससीपी 1 थी ना, उसमें मैम ने केसेस हमें खुद असाइन किए थे, हमने उसको बस रीड करके परफॉर्मा फिल करना था। इस बार क्या क्राइटेरिया है आपका? बेटा जो इस बार क्राइटेरिया ना वो ये है कि मैं आप लोगों के साथ केसेस डिस्कस करूंगी, और आपने लॉग बुक्स पे उन केसेस को कैसे प्रेजेंट करना वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। उसका एक फॉर्मेट इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ मोस्ट प्रोबेबली ना शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो वो आप लोग उसको हम डिस्कस भी कर लेंगे क्लास में एक दफा, और वो सारी पॉइंट्स हमारे माइंड में एक दफा जब क्लियर हो जाएंगे ना तो हमें ज्यादा ईजी हो जाएगा करना। मैम तो फिर फिल क्या करना स्टार्ट करें? क्या करना स्टार्ट करेंगे? मैम लॉग बुक फिल अगर करनी है तो हम केसेस को भी ना फिल करें ना, उसके जनरल क्वेश्चन आंसर्स फिल करने स्टार्ट करें। हाँ अभी आप लॉग बुक की जो केस हिस्ट्रीज है ना उनको भी आप लोग स्किप रहने दो, जब मैं क्लासेस की डिजाइन करूंगी ना प्रॉपरली तब उस वक्त हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग उसको फिल करेंगे। अभी आप लोग सिर्फ जो स्टार्ट की डेफिनेशन है ना, अपना स्टार्ट का काम सारा जो मैंने जनरल पढ़ा दी है ना वो सारा फिल कर लो। इंडेक्स से पहले सारे स्टूडेंट्स ना अपनी जो लॉग बुक्स है ना वो प्रिपेयर कर लें, ठीक है। मैम उसके बाद सबमिशन थोड़ी सी लेट हो सकती है मैम, बहुत ज्यादा बर्डन है अभी मिड अगर स्टार्ट हो गए तो।
यस मैम थोड़ा आगे कर दें जुलाई में. मैम पहले हमने सेमेस्टर के बाद लॉग बुक को छेड़ा था और सारा एसीबी का काम, अब मिड में 8 सब्जेक्ट्स हम इंसान हैं. जो अभी का जो फैकल्टी की तरफ से मैसेज है ना वो यही है कि आपने इनकी लॉग बुक्स हर सूरत कंप्लीट करवानी है, और एटलीस्ट जो क्लास में काम हो रहा है वो तो साथ साथ आप लोग कर सकते हो ना. अब डेली का डेली इतना ज्यादा मैं नहीं करवा रही, आप लोगों का तो इतना इजी वाला चैप्टर है एसीपी 2 का, इसमें सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है कोई मेजर लाइक कार्डियो या कोई और सिस्टम. इसमें तो इजी है कि आप लोगों ने सिर्फ टर्म्स लिखनी, और मेरी अगर प्रेजेंटेशन खोल के पढ़ लो ना तो मैंने तो आप लोगों के लिए इजी कर दी है कि आप लोगों को बुक से देखना नहीं पड़ेगा कि स्किन की सारी लीजन्स की क्या टर्म्स हैं, और मेरी प्रेजेंटेशन खोलो उसको याद करो और वहां लिख लो. तो आप लोग इंडेक्स से पहले पहले तो पूरा कर सकते हो. मैम देखते हैं करते हैं. नहीं देखना नहीं है, इसको करना है, मस्ट करना है. चले अब प्रोप्टोसिस बच्चों क्या होता है कि एक्सोफिथेलमास इस कंडीशन को कहते हैं, इट मींस द प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल. ठीक है, अब आपने क्या करना है कि पेशेंट के सीटेड पेशेंट के बिहाइंड आपने खड़े होना है. अब इसका इसको चेक करने का तरीका क्या है कि ड्रॉ द अपर लिड्स जेंटली अपवर्ड एंड नोट द रिलेशनशिप ऑफ द कॉर्निया टू द लोअर लिड्स. इफ द कॉर्निया इज प्रोट्रूडेड बियॉन्ड द लोअर लिड एक्सोफिथेलमास इज प्रेजेंट. In Graves' disease, exophthalmos is usually bilateral, but sometimes ये initial condition के अंदर unilateral भी होता है. ठीक है, और sometimes orbital tumors भी इसकी एक cause होती है. Like आपकी Graves' disease में orbital tumors में ये mostly condition होती है. ठीक है, eyeball के around ना eyeball की protrusion होती है. और basically हम इसमें किस चीज का relationship देख रहे हैं, cornea का relationship देख रहे हैं in respect to upper lid or lower lid of eye. ठीक है, और इसके जो दो साइंस है जो मैंने कहा था कि इम्पोर्टेंट है वो है एक लिड रिट्रैक्शन और एक लिड लैग साइन. इसको भी हम पढ़ते हैं. ये बेसिकली बच्चों दो साइंस हैं, बहुत लाइट से लिखे हुए आप लोगों की बुक में, कि जो लिड्स रिट्रैक्शन है उसमें क्या करते हैं. ये बहुत सिंपल साइन है बच्चों कि नॉर्मली क्या होता है कि जब हम पेशेंट से कहते हैं ना कि वो स्ट्रेट देखे, तो नॉर्मल जो स्क्लेरा होती है ना अबव एंड बिलो द कॉर्निया वो विजिबल नहीं होती. ठीक है, वह पेशेंट से कहोगे ना कि वो सीधा देखे, तो आपकी जो स्क्लेरा होती है ना अबव एंड बिलो द कॉर्निया वो विजिबल नहीं होती, क्योंकि आपकी जो अपर और लोअर लिड्स होंगी ना वो उस बाउंड्रीज को कवर कर रही होंगी. लेकिन व्हेन द पेशेंट इज हैविंग थायरोटॉक्सिकोसिस, यानी उसको बेसिकली थायरॉयड ग्लैंड का अगर कोई ट्यूमर या कोई एक्सेसिव उसमें थायरॉयड हार्मोन्स की प्रोडक्शन हो रही है, थायरोटॉक्सिकोसिस कंडीशन है बॉडी के अंदर, तो क्या होगा कि इस साइन में लिड्स रिट्रैक्शन में क्या होता है, ये कब पॉजिटिव आएगा कि जो आपकी स्क्लेरा है ना बोथ अबव एंड बिलो द कॉर्निया इट इज विजिबल, उसकी कुछ पोर्शन नजर आ रहा होगा. ठीक है, तो ये साइन तब पॉजिटिव आता है जब पेशेंट को कोई थायरोटॉक्सिकोसिस की प्रॉब्लम हो, या फिर अभी हमने पढ़ा कि ग्रेव्स डिजीज हो. बेसिकली ग्रेव्स डिजीज हो, थायरोटॉक्सिकोसिस हो, ये किस डिजीज से रिलेटेड है, थायरॉयड ग्लैंड से रिलेटेड है. तो थायरॉयड ग्लैंड का अगर पेशेंट को कोई ट्यूमर है, थायरॉयड हार्मोन्स की एक्सेसिव अगर प्रोडक्शन हो रही है बॉडी के अंदर, तो उन केसेस के अंदर ये साइन पॉजिटिव आता है पेशेंट के अंदर, सिर्फ ये स्पेसिफिक उसके लिए लिड्स रिट्रैक्शन. और लिड लैग साइन में क्या होगा कि हमने पेशेंट से कहना है कि वो लुक स्ट्रेट देखे आपके फिंगर की तरफ. ठीक है, और फिर आपने क्या करना है कि फिंगर को डाउनवर्ड मूव करवाना है. तो नॉर्मली क्या होता है कि आईबॉल और अपर लिड की जो मूवमेंट होती है ना वो एक साथ होती है. लाइक आप पेशेंट को जब कमांड दोगे ना कि पेशेंट आपकी फिंगर को देखे और जो आप मूवमेंट करवा रहे हो उसको फॉलो करे, तो उसकी आईलिड और उसका आईबॉल सेम टाइम पे मूव करेगा. लेकिन इस साइन में क्या होगा, लाइक थायरोटॉक्सिकोसिस, अगेन उसी कंडीशन में क्या होगा कि अपर लिड जो है ना वो लैग करेगी. लाइक आईबॉल की मूवमेंट जल्दी हो जाएगी, लिड्स की मूवमेंट बाद में होगी. दैट्स व्हाई इसको कह रहे हैं कि लिड लैग, कि आपकी जो आईलिड्स की मूवमेंट है ना वो लैग कर रही है, वो बाद में होती है, आईबॉल्स की मूवमेंट पहले हो जाती है. ठीक है, और ये दोनों साइंस किस कंडीशन में पॉजिटिव है, थायरोटॉक्सिकोसिस की कंडीशन. क्लियर है यहां तक सबको, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है. इसकी हम अभी पिक्चर भी देख लेते हैं दोनों साइंस की, ताकि आप लोगों को ज्यादा ईजी हो जाए. वो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड कर दिया हुआ. जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है इन साइंस में, कुछ समझ ना आया? मैम ठीक है. No,
अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों जेंथिलिज्मास। जेंथिलिज्मास अभी मैंने बताया था कि ये येलो येलोइश कलर प्लाक्स होते हैं जो डिपॉजिट हो जाते हैं आईलेट्स के ऊपर, ठीक है। और नॉर्मली ये कोलेस्ट्रोल कंटेनिंग होती है, मतलब अगर एक पेशेंट को हाइपर लिपिडीमिया होता है तो उस कंडीशन के अंदर होता है, या समटाइम्स ये एल्डरली पेशेंट्स के अंदर भी होते हैं, ठीक है, बॉडी में, लेकिन बहुत कॉमनली नहीं एल्डरली पेशेंट्स में होंगे, ये स्पेसिफिक हाइपर लिपिडेमिक पेशेंट्स के अंदर होंगे। जेंथिलिज्मास येलो कलर के छोटे छोटे स्पॉट्स आपके आईलेट्स पर डेवलप होते हैं। देन आपने कंजक्टाइवा का कलर चेक करना है। कंजक्टाइवा का कलर चेक करने के लिए आप पेशेंट से कहते हो कि वो ऊपर देखे और आपने लोअर लिड को थोड़ा सा एक्सपोज करना है ताकि आप कंजक्टाइवा को उसके असेस कर सको और आपने वहां पे पैलरनेस चेक करनी है। इसी तरह जो सब कंजक्टाइवल हेमरेजेस होते हैं उनको भी हम असेस कर सकते हैं, क्योंकि वो आई बॉल के ऊपर क्या होगा, इस तरह ये उन्होंने दिखाया हुआ ये मेथड, क्या पेशेंट से कहोगे कि वो ऊपर देखे, आपने उसकी फिंगर से थोड़ा सा कंजक्टाइवा को ओवर लोअर करना है और उसकी कंजक्टाइवा का यहाँ से आपने कलर चेक करना है। अगर वो पेल होगी तो इट मीन्स कि पेशेंट इज हैविंग एनीमिक या उसको कोई प्रॉब्लम चल रही है बॉडी के अंदर या कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। अच्छा, उसके बाद हम कलर ऑफ स्क्लेरा चेक करते हैं। बच्चों जो स्क्लेरा का कलर है ना, ये बेसिकली उन्होंने बताया हुआ है एक्सपोजर ऑफ द अपर स्क्लेरा फॉर जॉन्डेंस। ये हम मैंने बताया था कि नॉर्मल स्क्लेरा का जो कलर होता है ना वो व्हाइट होता है, बट जॉन्डेंस के अंदर स्क्लेरा का कलर क्या होगा, येलो, ठीक है, इस तरह उन्होंने बताया हुआ। इसी तरह बच्चों हम लोग फेस पे रैशेस को देखते हैं। SLE एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें बॉडी में डिफरेंट मैनिफेस्टेशन आती हैं, और SLE एक ऐसी डिजीज है, सिस्टेमिक ल्यूपस अरिथमाटोसिस एक ऐसी डिजीज है जिसमें ऑलमोस्ट आपका हर ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहा होता है। ये ऑटो इम्यून डिजीज है, आपका आपकी स्किन, आपका GIT सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपकी CNS, आपका हर सिस्टम इन्वॉल्व होता है और हर सिस्टम की डिफरेंट मैनिफेस्टेशन है। जो फेस पे इसकी मैनिफेस्टेशन आती है ना वो बटरफ्लाई रैशेज होती हैं, लाइक आपकी बटरफ्लाई लाइक ना रैश आपके फेस पे डेवलप हो जाता है। इसकी हम अभी पिक्चर चेक करते हैं। उसके बाद बच्चों कलर ऑफ स्किन हम चेक करेंगे, ठीक है। नोज और ईयर लोब्यूल्स पे अगर ब्लूइश डिस्कलरेशन है, इट मीन्स के पेशेंट को साइनोसिस का प्रॉब्लम हो सकता है। चीक्स की रेडनेस देख सकते हैं आप, जिस तरह मैंने बताया कि आपको बटरफ्लाई रैशेज होते हैं आपके SLE में, तो मैलर रैशेज जो होते हैं ना वो चीक्स पे होते हैं सिर्फ, ठीक है, वो आपके माइट्रल स्टिनोसिस के अंदर, यानी माइट्रल वॉल्व जो हार्ट का वॉल्व है ना उसकी अगर उसके वॉल्व स्टिनोस्ड हो जाए ना, यानी उनकी एबनॉर्मल क्लोजर हो जाए, यानी वो ज्यादा ओपनिंग में हार्ट को फैसिलिटेट ना करे, तो इस कंडीशन कहते हैं माइट्रल स्टिनोस, स्टिनोसिस हो गई है वॉल्स की, उन कंडीशन में भी क्या होता है कि आपके रेडनेस ऑफ चीक्स जो आती है वो मैलर रैशेज होते हैं, लेकिन SLE के अंदर बटरफ्लाई रैशेज होते हैं, ठीक है। फिर रुचिसम अभी बताया कि एक्सेसिव ग्रोथ हेयर्स की बॉडी के ऊपर, ठीक है, माउस्टिच या बर्ड एरिया के ऊपर, लिम्ब ट्रंक इन फीमेल्स के अंदर। पेरोटिड ग्लैंड्स की बच्चों स्वेलिंग हम चेक करते हैं। पेरोटिड ग्लैंड्स अगर तो बायलेटरल स्वेलिंग हो तो वो नॉर्मली मम्स इन्फेक्शियस डिजीज है उसकी कंडीशन में हो सकता है, ठीक है। और अगर पेरोटिड ग्लैंड का इटसेल्फ ट्यूमर हो, बच्चों में अक्सर आफ्टर बर्थ पेरोटिड ग्लैंड के ट्यूमर्स बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं, तो उनमें डॉक्टर्स असेस करते हैं, मतलब उनका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन चेक करते हैं उनके पेरोटिड ग्लैंड को पैल्पेट करके कि क्या उसमें यूनिलेटरल स्वेलिंग तो नहीं है। अगर स्वेलिंग हो तो वो कुछ देर के बाद बेसिकली उनका वहां पर ट्यूमर होता है तो वो ट्यूमर को वहां से रिमूव कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इनोसेंट ट्यूमर होता है जो इतना ज्यादा लीथल नहीं होता और वो हार्मफुल बॉडी के लिए नहीं होता। तो बच्चों में ज्यादातर कॉमन ये ट्यूमर्स होते हैं जो यूनिलेटरल आते हैं। इसी तरह हम लिप्स पे चेक करते हैं लोअर लिप का कलर, क्योंकि वो साइनोसिस के अंदर हम लोग देख रहे होते हैं ब्लूइश डिस्कलरेशन आती है। टंग में हम ड्राइनेस चेक करते हैं, ठीक है। इसी तरह जो ड्राइनेस आती है ना वो डिहाइड्रेटेड पेशेंट्स में, या माउथ ब्रीथर्स होते हैं बच्चों, वो लोग जिनके नोज के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए, लाइक उनको नोज से रिलेटेड कोई पैथोलॉजी हो जाए, दे आर अनएबल टू टेक द ब्रीथ फ्रॉम देयर नोज, अपनी नोज से वो सांस नहीं ले सकते, वो माउथ ब्रीथर्स होते हैं, ठीक है। या समटाइम्स कुछ लोगों को आदत होती है कि वो ज्यादा माउथ ओपन करके ना सांस लेते हैं, ठीक है। या फिर हमारे ICU से रिलेटेड पेशेंट्स भी होते हैं जिनमें नोज के थ्रू जब उनकी ब्रीदिंग पॉसिबल नहीं होती तो वो माउथ से ब्रीथ करते हैं, ठीक है। उनको वहां पे वो जो एयर जो पाइप्स लगाकर ना उनको ब्रीथ असिस्टेड ब्रीथिंग दी जाती है ना, उस वक्त
उनकी जो कंडीशन होती है ना वो माउथ ब्रीथर्स में आती है, ठीक है। तो ये ड्राइनेस टम की तब होगी। पैलेट्स साइनोसिस चेक करेंगे डॉट्स, जॉन्डेंस चेक करेंगे टंग पे, और इसी तरह टंग का साइज चेक करते हैं। अब बच्चों ये हमारी फेस पे सारे पॉइंट्स हो गए। अब इन इनकी जो डायग्राम्स हैं वो मैं आप लोगों को शेयर कर। मैम एस्टेली का जो डिस्कोइड रैश है वो कहाँ पे अपीयर होता है? जी बच्चे किसी का क्वेश्चन था अब तक यहाँ पर? मैं आपसे पूछ रही थी कि जो एसएलई में डिस्कोइड रैश होता है वो कहाँ पे होता है? वो स्किन स्किन एरियाज पे आपके होता है, और मोस्टली वो भी फेस पे ही होता है। लेकिन जो बटरफ्लाई और उसमें डिफरेंस होता है ना वो ये होता है कि जो आपके बटरफ्लाई रैशेज होते हैं ना उनमें बटरफ्लाई लाइक अपेयरेंस से पता चल जाता है, और एसएलई के पेशेंट में जो डिफरेंट स्किन एरियाज पे रैशेज आते हैं ना वो बटरफ्लाई रैश पे नहीं आएगा। बटरफ्लाई रैश आपके सिर्फ फेस पे होगा, और डिस्कॉइड जो होते हैं ना वो आपके अदर बॉडी एरियाज पे भी हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली वो भी फेस पे आ सकता है, लेकिन उसकी बटरफ्लाई लाइक अपीयरेंस नहीं होगी बिल्कुल, ठीक है? ओके मैम। अब बच्चों ये बेसिकली मून लाइक फेस है, ठीक है, और ये बेसिकली मास्क लाइक एक्सप्रेशनलेस फेस है जो कि हमने पार्किंसन डिजीज के पेशेंट में अभी चेक किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम, ये पेरीऑर्बिटल एडीमा आईज के अराउंड, ये आईज की स्वेलिंग, ठीक है, और ये प्रोप्टोसिस एग्स ऑफ थेल्मास कंडीशन व्हिच इज द प्रोट्रूजन ऑफ द आईबॉल्स, ठीक है, जिसमें हमने दो साइंस पढ़े हैं, लिड्स रिट्रैक्शन और लिड लैग साइन। नेक्स्ट ये लिड्स रिट्रैक्शन साइन, ठीक है, और ये लिड लैग साइन, कि जब हम पेशेंट को कमांड देते हैं कि वो मूव करे अपने किसी डायरेक्शन में, मेरी फिंगर को फॉलो करे, तो उसकी बेसिकली जो लिड की मूवमेंट है वो बाद में होती है, आई बॉल की मूवमेंट पहले हो जाती है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द लिड लैग साइन। और ये थायरोटॉक्सिकोसिस में दोनों साइंस पेशेंट के अंदर पॉजिटिव आते हैं, ठीक है। ये बेसिकली बच्चों जेंथलिज्माज है, येलो कलर का मैंने कहा था कि आपको प्लाक्स लाइक अपीयरेंस अपर आईलिड्स के ऊपर होंगे, ठीक है, ये येलो कलर के हैं, ये कोलेस्ट्रॉल के होते हैं और हाइपरलिपिडेमिक पेशेंट्स के अंदर। ये बेसिकली उन्होंने कलर ऑफ कंजक्टिवा, ये येलोइश सा कलर है, और हम कंजक्टिवा के दोनों रिम्स को चेक करते हैं, एंटीरियर रिम है ये और ये पोस्टीरियर रिम है, दोनों को हम असेस करते हैं। ये बेसिकली कलर ऑफ स्क्लेरा के कलर को चेक कर रहे होते हैं, ये येलोइश है, ठीक है, और येलोइश इसका कलर आता है जॉन्डेंस में, नॉर्मली ये वाइट है। इसी तरह के बच्चों ये बटरफ्लाई रैशेज हैं, लाइक बटरफ्लाई लाइक अपीयरेंस ऑन द फेस, ये एसएलई के अंदर नॉर्मली मैनिफेस्टेशन में आता है, ठीक है। ये साइनोसिस हैं, ब्लूइश डिस्कलरेशन फिंगर्स के ऊपर, ये हिरैचुइज्म है जिसमें उसकी बॉडी यानी फेस एरिया पर फीमेल है लेकिन बियर्ड लाइक उसके एक्सेसिव एबनॉर्मल हेयर की ग्रोथ हुई हुई है, ठीक है। ये बेसिकली मम्स हैं, ठीक है। अच्छा आपकी आई थिंक सो कि ये न्यू एडिशन में एक चीज थी, एफ्टस अल्सर्स, ठीक है, ये मैंने वहां पर पॉइंट डिस्कस नहीं किया क्योंकि ये जो लिंक है वो आई थिंक सो कि फोर्थ एडिशन का है, और जो बुक है न्यू फिफ्थ एडिशन उसमें एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है एफ्टस अल्सर्स का। बच्चों ये रेडिश कलर के पिंकिश कलर के अल्सर्स बन जाते हैं आपकी टंग सर्फेस के ऊपर, ठीक है, इनको बोलते हैं एफ्टस अल्सर्स, ठीक है। अगर कोई पूछ ले वाइवा में तो कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ये न्यू एडिशन वाली बुक में ये एक टर्म लिखी हुई है। इन साइड ऑफ लिप्स पे बन जाते हैं और ये इस तरह की अपेयरेंस होती है, बेसिकली ये पिंकिश इन कलर होता है और इनकी बाउंड्रीज लाइट लाइट सी जो होती है ना वो होती है येलोइश। ये बेसिकली जीरोस्टोमिया, ड्राइनेस ऑफ टंग को हम अदर वर्ड्स में जीरोस्टोमिया भी कहते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल ट्रंग आपकी ड्राई हो जाती है। जीरो
या किन कंडीशंस में होता है ड्राइनेस ऑफ टंग, किसी बच्चे को पता है? डायबिटीज में। ये भी मैम ऑटो इम्यून होता है। मैम डायबिटिक पेशेंट में हो सकता है। मैम शोग्रेन सिंड्रोम में होता है। उसमें जनरलाइज ड्राइनेस हो जाती है ना? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। यस मैम जी बच्चों अब आ रही है। यस मैम। यस मैम। यस मैम अब आ रही है। बच्चों बेसिकली एक्सिला में लिम्फ नोड्स हैं वो हमने उसमें क्या चीजें चेक करनी होती है, मैंने अभी बताया कि इसमें जो एक्सिला में लिम्फ नोड्स है ना वो आपके बेसिकली उनके नेम्स हमने उनकी लोकेशंस की बेसिस पे रखे हुए हैं, लाइक लेटरल है, ठीक है, एपिकल है, इसके अलावा पेक्टोरल इसमें नहीं आता, ठीक है, पोस्टीरियर है, ठीक है, इसके अलावा एंटीरियर होता है, इसके अलावा मिडल होता है, और एक इसमें आता है आपके पास सेंट्रल, ठीक है। बेसिकली नेट की डायग्राम है आपकी बुक के अंदर जो है ना, आपकी जो बेड साइड है उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि सिक्स ग्रुप्स के अंदर होता है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, मीडियल, सेंट्रल और एपिकल, ठीक है। और हमने लिम्फ नोड्स की जब एग्जामिनेशन करते हैं ना तो हम उनका साइज, उनकी टेंडरनेस, उनकी फिक्सेशन, कंसिस्टेंसी, ये चारों चीजें चेक कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली जब हम हाथ लगा के देखते हैं पेशेंट को ड्यूरिंग जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, उसकी आर्म पिट को असेस करते हैं तो हम वहां पे लिम्फ नोड्स को ही पैल्पेट कर रहे होते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि लिम्फ नोड्स का अगर कोई एबनॉर्मल मैस है तो क्या उसकी कंसिस्टेंसी है, वो ज्यादा स्टिफ मैस है या फिर वो ज्यादा फ्लफी है, ठीक है, उसका साइज क्या है, बहुत एबनॉर्मल साइज तो नहीं है, और वो टेंडरनेस है स्किन के ऊपर या नहीं है। तो हम ये सारी चीजें ना ड्यूरिंग पैल्पेशन ही चेक कर रहे होते हैं पेशेंट के ऊपर, क्योंकि लिम्फ नोड्स को तो हम इंस्पेक्शन पे नहीं ना देख सकते, हम पैल्पेट करेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि लिम्फ नोड्स की क्या कंसिस्टेंसी है, उसकी फिक्सेशन है भी या नहीं है, ठीक है, या वो फ्री है, उनकी टेंडरनेस क्या है, उनका साइज क्या है, ठीक है। तो ये उन्होंने एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के ग्रुप बताए हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, मीडियल, सेंट्रल और एपिकल, ठीक है, ये सिक्स ग्रुप्स हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में जिनको हम इंस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपकी ये जो प्रेजेंटेशन है ना ये बच्चों कंप्लीट हो जाती है, ये जस्ट मैंने डायग्राम्स के लिए आज आप लोगों को बताई थी, अब हम लोग बुक से ही चेक करते हैं कि एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के उन्होंने क्या इंस्पेक्शन पॉइंट्स बताए हैं। बच्चों ये है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, सबको बच्चों को बुक क्लियर है, शेयर हो रही है या नहीं? नो मैम। आप शेयर हो गई क्या? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब बच्चों जो बेसिकली आपकी एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं दे आर सिक्स इन ग्रुप्स, जैसे मैंने अभी नाम बताया। अब आपने राइट एक्सिला को चेक करना है और लेफ्ट एक्सिला, दोनों को आपने सेपरेटली असेस करना है, ठीक है। दोनों की असेसमेंट सेम है, बस ये कि राइट एक्सिला में आप लेफ्ट हैंड को यूज करते हो और लेफ्ट में आप राइट हैंड को यूज कर रहे हो इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है। अब क्या करना है कि पेशेंट के आर्म को एलिवेट करना है अबव हिज हेड, आपने फिंगर्स को प्लेस करना है अपने लेफ्ट हैंड की उसके एक्सिला में, ठीक है।
आपने क्या करना है कि पेशेंट की आर्म को थोड़ा सा लाइक अगर आपको पिक्चर इसमें थोड़ी सी क्लियर हो जाए कि आप उसके थोड़ा सा क्या करोगे, आर्म को कहोगे कि वो रेस करे, ठीक है। इफ द लिम्फ नोड्स आर इनलार्ज्ड तो क्या होगा कि जब आप उसको पल्पेट कर रहे होगे ना अपने हैंड्स को, तो वो लिम्फ नोड्स ना स्लिप करेंगे आपके फिंगर्स और पेशेंट की चेस्ट यानी उसके आर्म पिट के दरमियान, ठीक है। एलिवेशन ऑफ पेशेंट्स आर्म इज नेसेसरी ताकि जो एक्जिला की एपेक्स है ना, आपने एक्जिला की बाउंड्रीज पढ़ी होंगी, उसकी एपेक्स होती है एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, मीडियल वॉल, एक्जिला की जो सारी बाउंड्रीज है ना वो एक्सपोज करने के लिए हम पेशेंट से कहते हैं कि वो थोड़ी सी अपनी आर्म को ना अपलिफ्ट करे ताकि हमें स्पेस एक क्रिएट हो जाए। हमने पेशेंट की आर्म पिट को असेस करना है तो वो स्पेस क्रिएट करने के लिए हम पेशेंट के आर्म को अपलिफ्ट करा रहे हैं। इसी तरह हम लोग यहीं पे इसी लोकेशन पे एपिकल सेंट्रल और मीडियल ग्रुप्स को पैल्पेट करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। बेसिकली होता यही है कि एक्जिला में अगर किसी एक लिम्फ नोड की एनलार्जमेंट हुई होगी ना, लाइक अगर एपिकल की हुई है तो उसके जो सराउंडिंग यानी सेंट्रल और मीडियल ग्रुप्स है ना उनकी भी एनलार्जमेंट हो जाती है, तो हमें जस्ट पेशेंट को पैल्पेशन भी पता चल जाता है कि पेशेंट की यहाँ पे कोई एबनॉर्मल स्वेलिंग है, तो इट मीन्स कि उसके लिम्फ नोड्स की एनलार्जमेंट हुई है, ठीक है। अगर बच्चों लिम्फ नोड्स की एनलार्जमेंट है तो इट मीन्स कि द पेशेंट इज हैविंग एनी लिम्फैटिक ड्रेनेज सिस्टम प्रॉब्लम चल रही है पेशेंट के साथ बैक, तो फिर हम उसको और डायग्नोसिस की तरफ मूव करते हैं। ये उन्होंने राइट एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के लिए बताया। अब बच्चों एंटीरियर और पोस्टीरियर के लिए उन्होंने सिंपल मेथड ये बताया कि अगर आप एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड को लाइक एक्सिला को अगर आप अपवर्ड साइड से फोल्ड करते हो ना तो आप एंटीरियर ग्रुप को पैल्पेट कर रहे हो, और अगर आपने पोस्टीरियर ग्रुप को पैल्पेट करना है तो आपने पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड को यानी बैक से थोड़ा सा एक्सिला को अप्रोच करना है, ठीक है, बैक साइड से। इसकी जो वीडियो है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी जिसमें उन्होंने बेसिकली ना पहले हेड नेक के लिम्फ नोड्स के इंस्पेक्शन का बताया, लेकिन उसके लास्ट पे ना वीडियो में, और वो बहुत अच्छी वीडियो है जिसमें उन्होंने एक्सिला के एक एक लिम्फ नोड की ना इंस्पेक्शन बताई है कि हम कैसे एक्सपो लाइक एंटीरियर के लिए कैसे हमने इंटीरियरली अप्रोच करना है, पोस्टीरियर के लिए कैसे पोस्टीरियरली अप्रोच करना है। जस्ट उसने हैंड प्लेसमेंट बताई है, आपने भी उसी तरह बिल्कुल हैंड प्लेसमेंट रखनी है और आपने नोड्स की असेसमेंट करनी है, ठीक है। लेफ्ट एक्सिला के लिए उसने कहा है कि आपकी पल्पेशन का मेथड बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। एपिकल सेंट्रल मीडियल ग्रुप्स आर पल्पेटेड विद द राइट हैंड। जस्ट मैंने ये कहा था कि डिफरेंस ये होता है कि जब हम राइट एक्सिला को कर रहे हैं तो हमने अपना लेफ्ट हैंड यूज करना है, जब पेशेंट की लेफ्ट एक्सिला को कर रहे हैं तो हमने अपना राइट हैंड यूज करना है। लेकिन वही ये बात है कि लेटरल ग्रुप जो होता है ना उसको हम पल्पेट करते हैं विद द लेफ्ट हैंड, बेसिकली हम अपना लेफ्ट हैंड ही यूज कर रहे होते हैं। और बहुत सिंपल इंस्पेक्शन है, जस्ट आपने पेशेंट के एक्सिला को अप्रोच करना है जैसे इसने किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी फिंगर्स प्लेस करोगे और आपने क्या करना है कि यहाँ पे थोड़ा सा पैल्पेट करके या थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करके चेक करना, जैसे आप पैल्पेट करते हो ना स्किन को, वैसे आपने एक्सिला को इंस्पेक्ट करना है कि पेशेंट का यहाँ पे कोई एबनॉर्मल मैस तो नहीं है या कोई स्वेलिंग तो नहीं है, और फिर अगर वो स्वेलिंग या कोई मैस है तो उसका साइज, उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी फिक्सेशन या फिर उसकी कोई स्पेसिफिक जो है ना वो बाउंड्रीज वगैरह, वो सारी चीजें आपने देखी, ठीक है। इसके बाद ये इन्होंने एक एपिट्रोक्लियर लिम्फ नोड्स का मेथड बताया, ठीक है। ये बेसिकली ट्रोक्लियर नोड्स के लेवल पे आपने क्या करना है कि इस तरह पेशेंट की आर्म को इन अ मिड पोजीशन रखना है, जहां से आपने एक हैंड से इसको होल्ड करना है, सेकंड हैंड से क्या करना है कि आपने उसके अबव द ट्रोक्लिया एपिट्रोक्लियर एरिया पर, ट्रोक्लियर नोड्स होती है ना उसके एरिया पे आपने हैंड प्लेस करना है, और यहाँ पे आपने थोड़ा सा इस हैंड से पैल्पेट करके चेक करना है, तो अगर वहां पे लिम्फ नोड्स की एनलार्जमेंट होगी ना तो आपको पता चलता है, ठीक है। बाकी ग्रोइन फीट एरियाज के जो ग्रोइन एरियाज के जो लिम्फ नोड्स हैं वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, फीट्स को भी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि पल्स, यहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन या किसी को कोई प्रॉब्लम? मैम वो जो आप टेम्परेचर का कह रही थी वो भी आपने लास्ट टाइम अभी पढ़ाया नहीं है। जी क्या आप बता रही थी, टेम्परेचर? मैंने टेम्परेचर पढ़ाया था लास्ट टाइम, रेस्पिरेटरी रेट वो लास्ट टाइम पढ़ाया था मैंने। नो मैम हमने बस फिंगर्स तक पढ़ा था, क्लबिंग वगैरह तक पढ़ा था हमने। अच्छा
ठीक है, फिंगर्स क्लबिंग पढ़ा था और हमने वो पढ़ा था, ठीक है। हम देख लेते हैं आज पल्स को, और मैं पल्स को भी यहाँ से पढ़ाऊंगी और ब्लड प्रेशर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ताकि आप लोग सारे वाइटल साइंस को ना मिक्सअप ना करो, उनके एग्जामिनेशंस आपको ना क्लियर हो। जी स्टूडेंट्स, स्क्रीन क्लियर है? वर्ड की वर्ड फाइल है ये? यस मैम। वाइटल साइंस है, ठीक है बच्चों? यस मैम। वाइटल साइंस है बेसिकली बच्चों, वाइटल साइंस में अब हम लोगों ने उस दिन लास्ट टाइम टेम्परेचर पढ़ा था, आज हम लोग पल्स पढ़ेंगे, ठीक है। पल्स में आपने बेसिकली जब पेशेंट का जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं ना, तो हम सिर्फ रेट और रिदम को चेक करते हैं। वैसे पल्स के ना डिफरेंट करेक्टर्स होते हैं, लाइक जब आप लोग आगे जाके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ोगे ना, या शायद अगर आप लोगों ने पढ़ भी लिया हुआ, तो सीवीएस के अंदर आप लोग पढ़ोगे कि पल्स के रेट, रिदम, उसका वॉल्यूम, उसका करेक्टर, उसका कंपैरिजन विद अदर पल्सेस, ठीक है, वेसल वॉल की कंसिस्टेंसी, ये 7 पॉइंट्स ना हम पल्स की वहां पर पढ़ते हैं कंप्लीट जब हम सीवीएस का एग्जामिनेशन करते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, पेशेंट पे, आपको एग्जामिनर ने ये कहा है कि यू जस्ट डू द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, तो आपने जब वाइटल साइंस की बात करनी है ना, तो उसमें पल्स का सिर्फ रेट और रिदम चेक करना होता है, क्योंकि आपके पास वहां पे ज्यादा टाइम नहीं होता। बट जब एग्जामिनर आपको कहेगा ना कि आप पेशेंट के सीवीएस का एग्जामिनेशन करो, देन आपने पल्स के हर एक पॉइंट को फॉलो करना है। लेकिन अगर सीवीएस का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, ये अभी हम सिर्फ जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन पढ़ रहे हैं, तो उसमें पल्स की दो करेक्टरिस्टिक्स आती हैं, रेट और उसका रिदम। बच्चों नॉर्मल जो पल्स रेट है, इट इज 72 बीट्स पर मिनट, ठीक है। इफ द पेशेंट इज पल्स रेट लेस देन 50 बीट्स पर मिनट, देन इट इज कॉल्ड ब्रेडीकार्डिया, ठीक है। ब्रेडीकार्डिया के डिफरेंट रीजंस होती हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे कि ब्रेडीकार्डिया क्यों होता है। कुछ लोगों में नॉर्मली पल्स रेट कम होती है, ठीक है, कुछ लोगों में ड्यूरिंग स्लीप कम होती है, कुछ डिजीजेस में स्पेसिफिकली आपकी पल्स रेट इज लेस देन 50 बीट्स पर मिनट। नॉर्मली 72 है, 50 बीट्स पर मिनट से कम आ रही है, तो इट मींस के ब्रेडीकार्डिया, ठीक है। टैकीकार्डिया मींस योर पल्स रेट इज मोर देन 100 बीट्स पर मिनट। अब टैकीकार्डिया आपका हाई ग्रेड फीवर होना, तो उसमें पेशेंट की पल्स रेट बहुत ज्यादा होती है, ये नॉर्मली हम देखते हैं पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। आपके एथलीट्स के अंदर टैकीकार्डिया होता है, उनकी पल्स रेट ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी बॉडी जो हार्ट मसल्स होते हैं ना, वो अडेप्ट हो चुके होते हैं ज्यादा एक्सरसाइज टॉलरेंस की वजह से, ठीक है। इसी तरह टैकीकार्डिया की और पैथोलॉजिकल कंडीशंस भी, वो अभी हम पढ़ते हैं बच्चों। एक होता है रिलेटिव टैकीकार्डिया और एक होता है रिलेटिव ब्रेडीकार्डिया। जो बच्चों रिलेटिव टैकीकार्डिया ना, उसमें क्या होता है कि पल्स राइज करती है 10 बीट्स पर मिनट फॉर ईच डिग्री फॉरेनहाइट या 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन बॉडी टेम्परेचर। तो अगर वो राइज करेगी विद रिस्पेक्ट टू इतनी सेंटीग्रेड बॉडी टेम्परेचर के, तो वो रिलेटिव टैकीकार्डिया होगी। अगर वो कम होगी फॉर ईच डिग्री फॉरेनहाइट या 0.5 जो उन्होंने सेंटीग्रेड कहा है टेम्परेचर की वजह से, तो क्या होगा कि इट इज कॉल्ड अ रिलेटिव ब्रेडीकार्डिया, ठीक है। अब आपने होम टास्क में क्या करना है कि कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल हार्ट रेट्स, लाइक आपने ब्रेडीकार्डिया की, टैकीकार्डिया की, रिलेटिव टैकीकार्डिया की और रिलेटिव ब्रेडीकार्डिया की, चारों की जो रीजंस है ना, उनको एक ब्लॉग के फॉर्म में मेंशन कर, उसको मैं अभी आप लोगों का हम वेबसाइट से पढ़ भी लेते हैं। हमने क्या किस चीज की अभी बात की है, रेट की। अब हम सेकेंड चीज को डिस्कस करते हैं, रिदम। बच्चों जो रिदम है ना, नॉर्मली रिदम का मतलब बच्चों ये होता है कि आपकी एक जो बीट है ना, 72 बीट्स पर मिनट, ठीक है, एक बीट के बाद जो सेकंड बीट आ रही है, क्या दोनों बीट्स के दरमियान इंटरवल नॉर्मल है, कांस्टेंट है? इट मींस कि अगर वो इंटरवल दोनों बीट्स के दरमियान में कांस्टेंट है, तो आपका रिदम रेगुलर है। अगर वो नॉर्मल नहीं है, डिस्टर्ब्ड है, तो आपकी पल्स क्या है, इरेगुलर, ठीक है। ये बच्चों बेसिकली रिदम ऑफ द पल्स होता है।
और ये तीन बेसिकली इसके आगे पॉइंट्स हैं, वो भी हम पढ़ते हैं कि कुछ हमारे पास रिदम्स होती हैं इरेगुलरली रेगुलर, कुछ होते हैं रेगुलरली इरेगुलर, तो वहां पर हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं कि आपकी कुछ में स्लो राइजिंग पल्स होती है, कुछ में फास्ट राइजिंग पल्स होती हैं। जब आपको जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन का कहा जाएगा ना, तो आपने सिर्फ रेट और रिदम का बताना है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहना है कि पेशेंट इज हैविंग नॉर्मल पल्स रेट 72 or 3 बीट्स पर मिनट एंड हिज और हर जो रेट ऑफ द रिदम है ना वो भी बेसिकली उसका रेगुलर है, नॉर्मल है। ठीक है, आपने ऐसे अपने एग्जामिनर को एक्सप्लेन करना है अगर पेशेंट आपका नॉर्मल है। लेकिन अगर आपका पेशेंट नॉर्मल नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि उसका रिदम एबनॉर्मल है। तो आपने एबनॉर्मल में बेशक आप कैटेगराइज ना करो कि वो एबनॉर्मल किस टाइप का है, बट आपने ये कहना जरूर है कि उसके दोनों बीट्स के दरमियान जो रिदम है वो कॉन्स्टेंट नहीं है। बच्चों, साइट्स टू चेक द पल्स इन द बॉडी, 8 साइट्स हैं। मोस्ट कॉमन हम यूज करते हैं रेडियल पल्स, बिकॉज रेडियल आर्टरी आपकी सुपरफिशियल होती है, जब वो पास करती है आपकी बेसिकली जब उसमें एंटर होना होता है ना फ्लेक्सर रेटिना कुलम से, हैंड की एनाटॉमी सबको पता है ना, वहां से जब वो एंटर होती है ना तो वो सुपरफिशियल हो जाती है टू द बोन, इट इज अप्रोक्सीमेटेड ऑन द बॉडी सर्फेस, बॉडी सर्फेस के सबसे ज्यादा क्लोज आर्टरी है, इसलिए वहां पे जो पैल्पेशन है ना वो सबसे ज्यादा कॉमनली की जाती है। इसलिए डॉक्टर्स आपकी पल्स रेट हमेशा असेस करते हैं रेडियल आर्टरी के थ्रू, बट दैट्स व्हाई उन्होंने कहा कि अप्रोप्रिएट साइज जो है ना वो रेडियल पल्स। अगर आपसे कोई रीजन पूछे ना तो आपने ये कहना है कि बिकॉज ये बॉडी सर्फेस पे बहुत ज्यादा क्लोजली पैल्पेटेड होती है, इसकी सर्फेस एनाटॉमी ऐसी है। ठीक है, थोड़ी सी सर्फेस एनाटॉमी के बारे में बता देना है कि ये सुपरफिशियल टू द बोन होती है, और सेकेंड रीजन ये होती है कि रेडियल पल्स जो होती है ना वो इसलिए भी हम कहते हैं, और हाथ छोड़ पे हम कहते हैं कि राइट साइड से की जाए क्लोज टू द हार्ट, तो एस्टिमेशन बहुत अच्छी हो जाती है आपकी पल्स रेट। ठीक है, अब बच्चों जो मोस्ट कॉमनली साइट्स हैं रेडियल पल्स, हम कैरोटिड पल्स, ब्रेकियल पल्स, ब्रेकियल आर्टरी, टेम्पोरल पल्स, फेमोरल पल्स, पॉपलिटियल पल्स, डॉर्सलिस पिडाइज आपके फुट में होती है, और एपिकल पल्स यूज करते हैं। अब टेक्निक बिल्कुल सिंपल है कि आपने क्या करना है कि पैड्स ऑफ 3 फिंगर्स अलोंग विद द रेडियस व्हिच इज ऑन द लेटरल साइड ऑफ द रिस्ट, आपने क्या करना है कि प्लेस करनी है अपने 3 फिंगर्स बेसिकली प्लेस करनी होती है। ठीक है, और आपने बिल्कुल स्मूथली, ये नहीं करना कि तीनों फिंगर्स को बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके पेशेंट की स्किन पे आप प्लेस करो, आपने बिल्कुल स्मूथली अपने तीनों फिंगर्स प्लेस करनी है पेशेंट की रिस्ट लेवल पर, और आपने लाइट सा उसको चेक करना है कि आपको पल्स कैसी फील हो रही है। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं बच्चों कि टेक योर पल्स द सेम टाइम ईच डे, सिट डाउन, रेस्ट सेवरल टाइम्स बिफोर टेकिंग योर पल्स, काउंट योर पल्स फॉर अ फुल 60 सेकंड्स अनलेस टोल्ड अदरवाइज बाय योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ये जनरल इंस्ट्रक्शन उन्होंने बताई है कि अगर आपने अपने ऊपर असेस करनी है तो आपने कैसे करनी है। ठीक है, टेकिंग योर रेडियल पल्स आपने कैसे करना है, वही सेम बच्चों मेथड है। ठीक है, कि आपने 3 फिंगर्स को प्लेस करना है, आपने टिप यूज करनी है इंडेक्स एंड 3 फिंगर्स की, आपने रेडियल आर्टरी को पेल्पेट करना है, वहां पर जस्ट इनफ प्रेशर करना है, इतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना कि आपको बीटी ना सुनाई दे। ठीक है, आपने जस्ट इतना प्रेशर देना है कि आपको फील हो, इतना ज्यादा पुश नहीं करना कि आपका ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट कर जाए। ठीक है, और इसी तरह आपने फर्स्ट टाइम कैलकुलेट करनी है, इस तरह सेकेंड टाइम, और आपने रिकॉर्ड एक बना लेना पल्स रेट का। अब हमारे पास पल्स रेट का, यहीं से हम लोग इसका दूसरा पॉइंट जो है ना पल्स रेट के साथ हम लोग रिस्पायरेटरी रेट को भी पढ़ लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को पल्स रेट की कुछ चीजें जो है ना वो बुक से दिखाती हूँ। बच्चों, जो रिस्पायरेटरी रेट है ना, इट मींस द नंबर ऑफ ब्रेथ समवन टेक्स इन ईच मिनट। ठीक है, अब बच्चे कहते हैं कि मैम रिस्पायरेटरी रेट हम पेशेंट का कैसे असेस कर सकते हैं ड्यूरिंग जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। बच्चों, आप पेशेंट को जब देख रहे होते हो ना, तो आप उसके अगर चेस्ट को चेक करो ना, तो द नंबर ऑफ टाइम्स इन ईच मिनट, जब जितनी बार उसकी चेस्ट एक्सपैंड करती है ना, नॉर्मली ये 12 to 14 होती है, या 12 to 20 भी हम यहाँ नॉर्मली लिखा हुआ है, लेकिन नॉर्मली 12 to 15 या 16 ब्रेथ्स आ रही हो ना, तो हम पेशेंट को कहते हैं कि ये नॉर्मल है। और आप ड्यूरिंग जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट को देख ही तो रहे होते हो, तो आप उसकी चेस्ट को असेस कर लो 1 मिनट में, आपके पास आप वॉच होनी चाहिए। ठीक है, आप असेस कर लेते हो कि 1 मिनट में पेशेंट ने इतनी बार उसका जो चेस्ट है ना वो उसकी एलिवेट की है, मींस उसका जो इंस्पायरेशन हुई है ना वो थ्रू लंग्स हुई है, तो आप वहां से उसकी ब्रीदिंग असेस कर रिस्पायरेटरी रेट।
तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट उन्होंने बताया कि हेल्दी अडल्ट्स के अंदर 12 टू 20 ब्रेथ्स पर मिनट होता है, ठीक है। हाउ टू मेजर द ब्रीथिंग रेट, सिंपली ये है कि आप पेशेंट को जब असेस कर रहे होते हो ना, तो वॉच द पेशेंट चेस्ट राइज एंड फॉल, जस्ट पेशेंट की चेस्ट को देखो कि उसकी चेस्ट कितनी दफा राइज करी है, कितनी दफा फॉल करी, इन ईच मिनट आप उसका असेस कर लेते हो, ठीक है। उसके बाद बच्चों कॉमन कॉजेस लिखी हुई है हाई रेस्पिरेशन की और कॉमन कॉजेस लिखी हुई है लो रेस्पिरेशन रेट की। अब बच्चों हाई रेस्पिरेशन में सबसे बहुत प्रोमिनेंट एंजाइटी, एंजाइटी का पेशेंट हो सकता हाइपर वेंटिलेटेड, ठीक है, आईसीयू पेशेंट, उस पेशेंट को जिसको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, ठीक है, या फिर वो किसी पैनिक डिसऑर्डर में इन्वॉल्व। फीवर, बच्चों फीवर में भी आपका रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हुआ क्योंकि बॉडी का जो होमियोस्टेसिस होता है ना फीवर के अंदर वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसी तरह डिफरेंट रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं लाइक एस्थमा, निमोनिया, सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर्स, इसमें भी बेसिकली आता है, ठीक है। इसमें भी पेशेंट क्योंकि ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आ रही होती है बिकॉज ये जो एस्थमा, निमोनिया और सीओपीडी है ना ऑब्स्ट्रक्टिव है, आपकी जो एयरवेज है ना उनमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, एयर फ्लो लिमिटेशन हो जाती है, जब एयर ही अंदर नहीं जा रही तो जाहिर सी बात है कि पेशेंट की ब्रीदिंग भी स्लो होगी, सॉरी हाई रेस्पिरेशन होगी, मतलब उसको ज्यादा एफर्ट करके अपनी ब्रीदिंग करनी पड़ेगी। इसी तरह हार्ट प्रॉब्लम्स के अंदर क्योंकि हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं कर रहा होगा, डिहाइड्रेशन के अंदर भी समटाइम्स ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाती है क्योंकि बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है सेल से एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इसी तरह बच्चों लो रेस्पिरेशन रेट में ये हो सकता है कि ड्रग ओवरडोज, और सर्टन ड्रग्स में आपकी एंटी डिप्रेसेंट्स, आपके नार्कोटिक्स, वो ड्रग्स जो आपकी ब्रेन को एक्टिविटी को स्लो कर देते हैं, वो आपके रेस्पिरेटरी रेट को भी स्लो कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो मेड्यूला हम लोग के अंदर होता है ब्रेन के अंदर, तो बेसिकली जो ड्रग्स है ना ये जाके साइट ऑफ एक्शन पे कहाँ एक्ट करती हैं, ब्रेन के ऊपर। ब्रेन को जब ये एरिया को डीएक्टिवेट करती है ना तो आपके रेस्पिरेटरी सेंटर्स भी क्या हो जाते हैं, स्लो काम करना शुरू हो जाती है, तो आपकी ब्रीदिंग भी कम हो जाती है। इसी तरह ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, इसमें क्या होता है कि बच्चों ये भी एक स्लीप एपनिया ना पहले इतनी ज्यादा कॉमनली केसेस में नहीं आता था, लेकिन अब ये ज्यादा केसेस में इसलिए आने लग गया क्योंकि लोगों में एंजाइटी और लोगों में डिप्रेशन बहुत ज्यादा होने लग गया है। तो इसमें ये होता है कि आपको सोते में ना, मतलब आप जब स्लीप के दौरान आपकी एकदम से एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन, आपका सांस ऐसा लगता है कि बंद हो रहा है, और समटाइम पेशेंट इसकी वजह से उठ जाते हैं और उनको 2-3 मिनट के लिए ऐसा लगता है कि उनका सांस नहीं आ रहा, फिर वो थोड़ा सा अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन करें तो वो नॉर्मल हो जाती है। इसी तरह हेड इंजरी के पेशेंट्स के अंदर भी उनकी ब्रीदिंग लो हो जाती है क्योंकि अगर वो ब्रेन एरिया पर इफेक्ट है। तो यहाँ तक बच्चों हम लोगों ने दोनों चीजें पढ़ ली, अब हम एक लास्ट चीज पढ़ेंगे और उसके बाद लेक्चर आपका एंड हो जाएगा। अब तक यहाँ पे किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? जी स्टूडेंट्स, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? नो मैम, सब चीजें क्लियर हैं? कुछ अगर पॉइंट कोई अभी तक क्लियर नहीं है तो आप लोग डिस्कस कर लो। क्लियर है? ओके बच्चों, ये बेसिकली आपका ये इस चैप्टर के अंदर नहीं है पल्स का एग्जामिनेशन, वही अगेन पॉइंट्स मैं जल्दी से एक्सप्लेन करूंगी कि कॉमनली फेल्ट पल्सेस रेडियल, ब्रेकियल, कैरोटिड, फेमरल, पॉपलीटियल, पोस्टीरियर टिबियल, डॉर्सेलिस पिडाइस आर्टरी के लेवल पे, और रेडियल पल्स को हम इस तरह पैल्पेट करते हैं कि पेशेंट आपको सिर्फ ना पोजीशन पता होनी चाहिए, एग्जामिनर आपसे पोजीशन पूछ सकता है कि रेडियल पल्स के लिए क्या पोजीशन होगी, तो इस तरह पेशेंट का जो हम हैंड होता है ना उसको हम स्लाइटली फ्लेक्स्ड और प्रोनेटेड करा देते हैं, और रेडियल आर्टरी पे प्रेस करके ना लाइट सा हम चेक करेंगे, ठीक है। इसी तरह बच्चों ब्रेकियल पल्स के लिए ये पोजीशन है, आप थोड़ा सा फ्लेक्स कर देते हो आर्म को और ब्रेकियल आर्टरी पे बेसिकली आपने प्रेस करना होता है, वहां पे चेक करना होता है, ठीक है। और आप किस तरह ब्रेकियल आर्टरी को चेक मतलब देखते हो, आप बाइसेप्स के टेंडन से उसको अप्रोच कर रहे होते हो, तो ये ब्रेकियल पल्स है। इसी तरह बच्चों ये कैरोटिड पल्स है, ठीक है, दोनों साइड्स के आप कैरोटिड पल्स को यहाँ से देख सकते हो, लेकिन कैरोटिड पल्स के बारे में एक बात कही जाती है कि बहुत ज्यादा कैरोटिड आर्टरीज को ना नेक के लेवल पे प्रेस नहीं करते, क्यों? क्योंकि इसकी वजह से कैरोटिड आर्टरीज जो होती है ना उसकी वजह से
जो ब्लड फ्लो टू द ब्रेन है ना वो समटाइम अगर आप बहुत ज्यादा प्रेस करो ना तो वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट की ब्रेन को ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती है, ठीक है, और ब्रेन टिश्यू की डैमेज हो सकती है। इसी तरह फेमरल पल्स के लिए बच्चों ये पॉइंट है, बिटवीन इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन और प्यूबिक ट्यूबरकल के दरमियान, जहां फेमरल आर्टरी की एग्जैक्ट वो लोकेशन बनती है जहां पर वो सुपरफिशियल होती है थोड़ी सी बॉडी पर, वहां पे हम उसको पेल्पेट करके और चेक कर सकते हैं पल्स को, ठीक है। ये बेसिकली पॉपलिटियल पल्स के लिए पॉपलिटियल फोसा में हम हैंड्स प्लेस करेंगे। इसी तरह बच्चों डॉर्सेलिस पेडाइस के लिए ये मैंने कहा था फुट के ऊपर आर्टरी होती है, ये लोकेशन है, आप इस तरह तीन फिंगर्स प्लेस करके ना यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह जो पोस्टीरियर टिबियल पल्स है उसके लिए ये बी पॉइंट, ये इस तरह आप पीछे थोड़ा सा पोस्टीरियर जो टिबिया के बिल्कुल पोस्टीरियर लेवल पे ना आप पेल्पेट करोगे ना यहाँ पे, यानी मिलियोलस से थोड़ा सा इस साइड पे अप्रोच करोगे ना बॉडी पे, तो ये यहाँ पे इस लेवल पे अगर आप पल्स फील करो ना तो वो पोस्टीरियर टिबियल पल्स होगी, ठीक है। यहाँ तक हमने रेट का बता दिया कि हम कैसे पल्स रेट ले सकते हैं। अब बच्चों जो रिदम्स है ना, और ये टैकीकार्डिया ब्रैडीकार्डिया रिलेटिव ये सारे वही पॉइंट्स हैं सेम। अब बच्चों जो रिदम है ना उसमें मैंने कहा था कि हमारे पास कुछ इरेगुलर रिदम्स होते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास दो तीन टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको बस आपने समझ लेना है, इसको एक दफा पढ़ लेते हैं। साइनस अरिदमिया में क्या होता है कि पल्स रेट फास्टर होती है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन और स्लो होती है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। बच्चों ये एक नॉर्मल फिनोमेना भी है कि आपके इंस्पायरेशन में ना आपकी पल्स रेट थोड़ी सी फास्ट होती है, ठीक है, क्योंकि लंग्स को ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है इंस्पायरेशन, ठीक है, तो लंग्स को जब ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है तो वो हार्ट से ज्यादा ब्लड को एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है, तो दैट्स व्हाई आपकी पल्स रेट पे ज्यादा प्रेशर आता है, पल्स रेट आपकी फास्ट होती है। वो कह रहे हैं कि एक नॉर्मल फिनोमेना है और कुछ इंडिविजुअल्स में होता है, लेकिन ये चीज डिसअपियर कब होती है, हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स में और ऑटोनॉमिक अगर न्यूरोपैथी हो जाए, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी स्पेसिफिकली किन नर्व्स की, ऑटोनॉमिक नर्व्स की, इसमें आपकी बॉडी की नर्व्स इन्वॉल्व नहीं होंगी, इसमें आपकी ऑटोनॉमिक नर्व्स इन्वॉल्व होंगी, ठीक है, आपके सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक जो नर्व्स निकलती है ना बॉडी से वो इन्वॉल्व होंगी, अगर उनकी प्रॉब्लम है ना तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है। ओकेजनल इरेगुलरिटी, बच्चों ओकेजनल का मतलब है कभी कभी, इसका मतलब होता है कि प्री मेच्योर बीट्स। अब उन्होंने लिखा हुआ है कि जो प्री मेच्योर बीट्स है ना ये आपकी एक्सपेक्टेड नॉर्मल बीट से पहले आती है और ये थोड़ी वीक होती है और लॉन्गर पल्स की भी हो सकती है, ठीक है। उन्होंने सिर्फ इसकी इसके बारे में ये बताया कि ओकेजनल का मतलब है कि ये समटाइम्स आ जाती है और समटाइम्स ये नहीं भी हो सकती, लाइक आपकी नॉर्मल पल्स होगी, ठीक है, उससे पहले क्या होगा कि प्री मेच्योर आपको एक बीट सुनाई देगी, तो ये भी समटाइम्स हेल्दी इंडिविजुअल्स में भी हो सकती है और समटाइम्स ये उनमें नहीं भी हो सकती, लाइक समटाइम ये हो सकता है कि हार्ट डिजीज के पेशेंट्स के अंदर ना ये बीट्स जो होती है ना वो एबसेंट होती हैं, ये हमें सुनाई नहीं देती, तो उनके सिग्निफिकेंट ना कहने का मतलब ये है कि वहां पर आपके लिए एक डायग्नोसिस बना सकते, ठीक है, कि वो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि हेल्दी लोगों में ये आ रही है, अगर कभी कभी अगर हमें सुनाई देती हैं, और ये क्यों सुनाई देती हैं, इसकी रीजन बच्चों ये है कि आपके ना हम सबके जो हार्ट के वॉल्स होते हैं ना वो समटाइम्स ये होता है कि बहुत ज्यादा जो प्रेशर होता है ना हार्ट वॉल्स के ऊपर, उनकी वजह से क्या होता है कि समटाइम्स जब वो क्लोजर की तरफ जाते हैं ना तो हमारी एक बीट बनती है उस वक्त, तो समटाइम्स ये होता है कि अगर बैक फ्लो ऑफ ब्लड ज्यादा हो ना किसी टाइम, क्योंकि हर वक्त आपका ब्लड प्रेशर एक जैसा नहीं ना रहता, कभी बॉडी का ज्यादा होता है कभी कम होता है और डिफरेंट इंडिविजुअल्स का डिफरेंट लेवल पे किसी टाइम कुछ चल रहा होगा, उसकी वजह से ना ये बीट आती है कभी, ठीक है। इसी तरह बच्चों रेगुलरली इरेगुलर, अब रेगुलरली इरेगुलर का मतलब ये है कि जो प्री मेच्योर बीट है ना वो आपकी फिक्स्ड इंटरवल पे आ रही है, लाइक हर दो बीट्स के बाद एक आपकी आ रही है प्री मेच्योर बीट, ठीक है, यानी हर दो के बाद ये एक ड्रग है, ये बेसिकली आपके जो हार्ट की सिंपैथेटिक एक्टिविटी है ना उसको कंट्रोल में रखती है। हम ये नॉर्मली ना कार्डिक पेशेंट्स को देते हैं डाइजॉक्सिन ड्रग, ठीक है, अगर डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा होगी ना तो उसकी वजह से ये हो सकता है। लेकिन इरेगुलरली इरेगुलर में क्या होगा,
कि इन बीट्स का कोई पैटर्न नहीं होगा बच्चों. ये तीन बीट्स मतलब तीन नॉर्मल आपकी बीट्स आ रही हैं, उसके बाद एक इरेगुलर आ गई, फिर चार के बाद एक इरेगुलर, फिर पांच के बाद आ गई, यानी कोई इंटरवल नहीं है स्पेसिफिकली, अपनी मर्जी से रेपिटेशन हो. ठीक है, तो बच्चों ये बेसिकली ये कुछ कॉजेज हैं जो मैंने आपसे कहा था कि आपने होम असेसमेंट में भी करना है, कि टैकीकार्डिया की कॉजेज में एक्सरसाइज, एंजाइटी, फीवर, अनिमिया, हार्ट फेलियर, हाइपोटेंशन, थायरोटॉक्सिकोसिस, टैकीअरिथमियाज, ठीक है, ये सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज होती हैं. ब्रैडीकार्डिया में एथलीट्स के ऊपर, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, ड्रग्स में, रेस्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर में, हाइपोथायरॉयडिज्म में, और रिलेटिव ब्रैडीकार्डिया की कंडीशन में एंटेरिक फीवर. एंटेरिक फीवर होता है जो आपकी इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, कि अगर उसमें कोई आपको फीवर फील हो रहा है तो उसमें आ जाता है. ये वायरल इन्फेक्शन जो मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस आपकी मेनिंजीज में इंफ्लेमेशन हो जाती है और उसमें ICP रेस्ट हो जाता है, उसके अंदर भी ये कंडीशन हो सकती है कि आपका हर डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी राइज से आपका पल्स रेट जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है. ये उन्होंने नॉर्मल पल्स का बताया, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन ये ओकेजनल का बताया, ठीक है, ये रेगुलरली इरेगुलर का बताया. ये देखें, ये बेसिकली एक रेगुलर आ रही है, उसके बाद एक इरेगुलर, फिर रेगुलर आ रही है, फिर एक इरेगुलर, तो एक नॉर्मल पैटर्न फॉलो हो रहा है. लेकिन इरेगुलरली में क्या हो रहा है कि नॉर्मल तो चल रही है लेकिन इरेगुलर का कोई पैटर्न नहीं स्पेसिफिक. ठीक है, यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? यस मैम. यहां तक कोई किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू? जी स्टूडेंट्स. नो मैम. मैम लॉग बुक के बारे में पूछना था. मैम हमने उसको प्रिंट निकलवा के तो फिर सॉफ्ट कॉपी में रहने देना या हार्ड कॉपी आपको सबमिट करानी? बच्चे उसका मैंने यही बताया था कि आप लोग ना अपने प्रिंट आउट्स निकाल लो और उसको बाइंड करवा लो और उसको ना अपनी पेन से ना फिल करना शुरू कर दो. ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका फिजिकल होता है ना, मोस्ट प्रोबेबली आपकी ये लॉग बुक्स मुझे फिजिकल ही सबमिट होंगी. ठीक है, बहुत चांसेस है. और अगर फॉर एग्जाम्पल फिजिकल नहीं भी होता, ऑनलाइन पे रहता है, तो आप उसकी पिक्चर स्कैन करके ना मुझे सेंड कर देना, मैं उसको चेक कर लूंगी. ठीक है, लेकिन वो उसी कंडीशन में होगा ना, अगर आपने उसका प्रिंट आउट लेकर और उसकी प्रॉपर बाइंडिंग करवाई होगी तभी पॉसिबल होगा. ठीक है स्टूडेंट, जो आपने हमें लॉग बुक मेल हमें निकलवानी है. हाँ जी, वो निकलवानी है जो मैंने मेल पे सेंड की है. ठीक है, और मैम प्रेजेंटेशन के बारे में आपने कुछ बताया? प्रेजेंटेशन के बारे में बच्चे ये है कि वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर दूंगी थोड़ी देर तक, 5 मिनट्स की होगी प्रेजेंटेशन. ठीक है, और वो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, 10 स्लाइड से ज्यादा ना हो और उसमें आप लोग खुद ही एक्सप्लेन कर रहे हो और मैं आपके असेसमेंट के मार्क्स लगा दूं. ठीक है, ओके मैम. ठीक है, ओके, थैंक यू. ठीक है स्टूडेंट्स, सो मैं ये लेक्चर अब वाइंड अप करती हूँ और बाकी जो डिटेल्स होंगी ना वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी. मैम एक्सक्यूज मी मैम, बस लास्ट बात जी मैम, वो जो आपने SCP की लेनी है, जो हम लोगों ने हिस्ट्रीज लेनी है, पेशेंट हिस्ट्रीज, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी नेक्स्ट लेक्चर्स में, हिस्ट्रीज का ना, कि आप लोगों ने कैसे लेनी है. बल्कि इसमें से हम 2 से 3 डायग्नोसिस भी बना लेंगे ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए. ठीक है, सही है. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज मैम. अल्लाह हाफिज मैम. अल्लाह हाफिज.